भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे तो अंदर जो नजारा देखा उनके भी होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर ही कई राज समेटे हुए हैं। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वे भी इसके अंदर गए और उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे ये साबित हो गया कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। परंतु उस गुफा के अंदर से उन्हें ऐसा क्या मिला जिसके बाद उनके भी होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था, परंतु ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने भाई से ही दुश्मनी हो गई, जिसके पीछे का कारण था वो गुफा, जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा और वो राक्षस भागते भागते एक गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन एक साल बीत चुका था और बाली उस गुफा के अंदर से नहीं लौटा था। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से तो खून बाहर आ रहा है। उसे लगा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा के मुख पर लगा दिया, परंतु वो सच से अनजान था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को एक साल लग गया और एक साल बाद उसने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया। परंतु जब वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे वो पत्थर हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। जिसके बाद ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास ही इलाके में है। वहां पर स्थित कुछ लोगों ने यह दावा किया कि यह वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। वैज्ञानिक को इस बात का पता चला तो वे शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए, परंतु जब वो गुफा के अंदर पहुंचे तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुफा कितनी लंबी है। वो पुनः गुफा के बाहर आ गए और इस बार अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दोबारा एक बार बाली की गुफा में घुसे। ये गुफा इतनी लंबी है कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने के लिए पूरा एक साल लग गया था, परंतु वो धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। उन्हें बस कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे ये सिद्ध हो सके कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। वे 2-3 दिन तक उसी गुफा में विचरण और शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। परंतु ठीक 3 दिन बाद उन्हें अंदर से एक विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और ना ही किसी जानवर का नाखून था। वे सभी हैरान थे कि आखिर ये नाखून किस प्रजाति का है जिसे शोध के लिए भेज दिया गया। जब वैज्ञानिक उस गुफा के और अंदर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जो देखा उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंत में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था, परंतु वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि ये लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर की तरह। उनकी पूंछ भी होती थी और वो काफी हष्टपुष्ट पहलवान की तरह होते थे। जब वो नाखून अच्छी तरह से शोध किया गया तो ये पाया गया कि वो किसी आम इंसान का नाखून हो ही नहीं सकता, ना वो किसी जानवर का नाखून है, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में युद्ध हुआ था। तो ये प्रमाण दिए गए कि ये जरूर उस मायावी राक्षस का ही नाखून है।
जिसके बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है, जो आज के समय में तुंगभद्रा नदी वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों में मौजूद है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।